सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल में आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बता देना चाहता हूं कि 90% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चैनल को देख के ही आगे बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स मेरा मानना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप 9.1% में शामिल हो जाइए इस सीकेडी ग्रुप के अंदर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो सभी लोग आप लोग बहुत कुशल मंगल होंगे। चलिए इसी के साथ बात कर लेते कि आज फिर मार्केट गिर रहा है और बहुत तेजी से मार्केट गिरा। निफ्टी मिड कैप तो आज लगभग 350 पॉइंट के आसपास गिरा। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे शेयर्स लेके आया हूँ फिर से, और बताने के लिए भी कि आप कुछ शेयरों में हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स या जो नए व्यूअर्स हमारे वीडियो देख रहे हैं वो लोग अभी भी इन्वेस्टेड हैं शेयर्स में। तो अब करना क्या चाहिए उन लोगों को? देखिए, जब भी मार्केट गिरता है तो एक अपॉर्चुनिटी रहती है खरीदने की। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, खरीदना चाहते थे, तो ये बेस्ट टाइम आ गया है मिड कैप के अंदर खरीदने का। तो परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, ये कंपनी है 3739 रुपए, 3742 रुपए, या आज जो इसने लो बनाया 3660 रुपए तक का इसने लो बनाया। ठीक है, तो आप अगर 3660 में इसको ग्रैब कर लिए हैं तो लगभग करीब करीब ये अपने 52 वीक्स हाई से करीब 15% करेक्ट हो चुका है, और लाइफ टाइम में ये अपना इतना ही करेक्ट होता है, इतना ही करेक्ट होता है 15 से 20% के लिए। तो आपको देखना चाहिए खरीदने की अपॉर्चुनिटी। अगर आप हैं तो एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी अच्छी कंपनी के अंदर स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत भी है। बने रहिए कंपनी के अंदर, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। नेक्स्ट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। 2172 रुपए शेयर प्राइस चल रहा है। ये भी अपने 52 वीक्स हाई से करीब करीब 15% के आसपास करेक्ट हो चुका है। तो 2156 रुपए इसका शेयर प्राइस चल रहा है। फ्लक्चुएशन इसलिए है क्योंकि फ्रेंड्स मैं वीडियो को लाइव मार्केट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। लेकिन ये शेयर्स आखिरकार गिरा क्यों? ये इसलिए गिरा क्योंकि हैवल्स के रिजल्ट्स खराब आए। ठीक है, हैवल्स के मार्जिन पे भी इम्पैक्ट आया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई पॉलीकैब इंडिया के अंदर। लोगों का एक्सपेक्टेशन है पॉलीकैब शेयर होल्डर्स को कि भाई जैसा रिजल्ट खराब हैवेल्स का आया है वैसा ही रिजल्ट कहीं पॉलीकैब का ना आ जाए। लेकिन फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि पॉलीकैब का रिजल्ट खराब आना चाहिए। रीजन बीइंग कि पॉलीकैब एक अलग सेगमेंट में है और हैवेल्स एक डिफरेंट सेगमेंट में है। हैवेल्स का क्या है, बहुत ही निफ्टी 50 का पार्ट है, लेकिन ये पार्ट है मिड कैप का, निफ्टी मिड कैप का। तो इसमें अल्टीमेटली प्रॉफिट बुकिंग आई है, प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहती है। लोगों को खरीदना पड़ेगा अच्छी कंपनी, कितना भी गिरेगा। तो फ्रेंड्स एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ से। नेक्स्ट कंपनी है आपके सामने एस्ट्रल लिमिटेड। नेक्स्ट कंपनी आई है एस्ट्रल लिमिटेड, ये भी करीब करीब 15% के आसपास करेक्ट हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन है, चाहे वो फिर पॉलीकैब हो चाहे फिर वो एस्ट्रल हो, दोनों में ही आपको 3000 रुपए तक के टारगेट आसानी से बहुत जल्दी मिल जाएंगे। नेक्स्ट कंपनी है एचएएल। ठीक है, एचएएल तो करीब करीब 15% के आसपास गिर चुका है, हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स लिमिटेड। ये रीजन बीइंग कि इसलिए गिर रहा है कि पारस डिफेंस देखिए इसी के आसपास आ गया है वो, इसीलिए ये शेयर प्राइस बहुत ज्यादा टूट गया है। ये देखिए 5.5% तक ये शेयर प्राइस टूटता नजर आ रहा है। रीजन बीइंग कि पारस डिफेंस इसके पास आ गया है, तो लोग पारस डिफेंस में इन्वेस्टेड हो गए हैं यहाँ से हटके, तो अल्टीमेटली शेयर्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एचएल कोई खराब कंपनी नहीं है। नेक्स्ट कंपनी जिसने डिविडेंड की वजह से केवल इस शेयर को उठाया, तो देखिए डिविडेंड की प्राइस ही आज एडजस्ट हुई है। आज जो शेयर प्राइस 10 से 11% जो गिरा है वो डिविडेंड की प्राइस से ही एडजस्ट हो गया है। अभी इस शेयर प्राइस से मेरा लगता है कि अगर आप कंपनी अच्छी लगती है आपको तो आप स्टे इन्वेस्टेड बने रह सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में जितनी रफ्तार से गिरा है उतनी ही रफ्तार से ऊपर आएगा ये शेयर प्राइस। तो नेक्स्ट कंपनी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये कंपनी आज 1% ऊपर है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगता है 30 रुपए तक के टारगेट इसके अंदर आ जाने चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है आरबीएनएल। ये मैं कंपनी सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ देखिए कि ऐसी भी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए कि ग्रोथ ये लोग साल में ना एक ही दो बार देखते हैं, लेकिन ग्रोथ आपके सामने दिख रही है 12%। नेक्स्ट कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड, आईटी का दिग्गज शेयर। ये भी शेयर प्राइस 1823 रुपए के आसपास से अपने पास करेक्ट हो गया है। 1660 रुपए तक मुझे लगता है ये करेक्ट होगा वापस से। आप अगर वहां से उठा के 1613 रुपए से उठा के वापस से आप शॉर्ट टर्म ट्रेड भी कर सकते हैं एज वेल एज बने भी रह सकते हैं। शेयर प्राइस में अच्छा शेयर है
नेक्स्ट कंपनी है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी शेयर प्राइस बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ है, 15% के आसपास ही ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। लेकिन आपको क्या करना है, एक्यूमुलेट कीजिए, अगर आपके पास शेयर है तो बने रहिए, और जो भी शेयर प्राइस मिड कैप में नीचे आ रहे हैं शेयर प्राइस, आपका पोर्टफोलियो 10-15% ऑलरेडी नीचे आ चुका होगा, तो आपको क्या करना है, एक्यूमुलेशन करना है फ्रेंड्स, एग्जिट नहीं होना है मार्केट से। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से, एग्जिट होके अगर आप इस लॉस में एग्जिट होंगे तो मेरा मानना है फ्रेंड्स कि आप मार्केट से पैसा इतनी जल्दी जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट ऊपर ही जाएगा, थोड़ा सा जिगजैग आया है, ये समझिए जो ये समय है मार्केट ने आपको खरीदने का मौका दिया है, तो खरीद डालिए शेयर्स को। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।